अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सर फ्रेंड्स, आज आपके साथ में एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ मैं, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो हम जा रहे हैं शादी में, तो रिलेटिव्स में है, ज़्यादा दूर के नहीं है, मतलब पास के ही रिलेटिव्स हैं, मतलब कज़न के ससुराल से हैं, तो वहाँ पर शादी है तो वहीं पर जा रहे हैं। तो वही मैंने सोचा क्या क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग बनाया जाए, तो मेरा फर्स्ट टाइम है तो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। तो ये है गाउन जो मैंने निकाल दिया, तो सिंपल है, सिंपल और सोबर पहनना है, क्यों हमें बनना है बेगानी शादी में अनजाने दीवाने। यार मजाक कर रही थी। तो ये है सिंपल सा गाउन, तो ये आपको पिंक कलर लग रहा होगा इसका देखकर, बट ये पिंक नहीं है, थोड़ा सा कोरल पीच होता है ना वैसा कलर है। तो सिंपल गाउन है बट बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इसका घेर वगैरह भी बहुत अच्छा है। तो इस ब्लॉग के मैं दो पार्ट करूँगी, फर्स्ट सेकंड, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप भी बोर हो जाओगे देखने में, इसीलिए। तो ये है गाउन इसका, तो साइड में थोड़ा सा ऐसा काम किया हुआ है और नीचे से पूरा ऐसा घेर बना हुआ है। तो इसकी आस्तीन जो थी जो वो हाफ थी, तो मैंने इसको पूरा उसके सिर्फ सिलवा के लिए फुल करके ले लिए कि मुझे नहीं पसंद हाफ। तो वही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, थोड़ा बोर हो जाएगा आपको क्योंकि पहली बार है मेरा ये व्लॉगिंग। तो ये देख सकते हो ये मेरा गाउन है, बहुत प्यारा है, सिंपल है बट बहुत अच्छा है। तो इसके ऊपर नेट का दुपट्टा है और लैगी लैगी तो दिखती भी नहीं है। तो यहाँ पर ये जूती है, मैं ये पहनूँगी तो मैच हो जाएंगी। वैसे तो कुछ भी पहन लो नीचे उस चप्पल में तो दिखना ही नहीं, इतना लंबा है वो गाउन पहनने में। तो इसमें कैन कैन भी लगा हुआ है, बहुत अच्छा खासा घेर है इसमें। तो यहाँ पर मैंने लास्ट ईद के टाइम लिया था शायद से, ये इस ईद में तो नहीं लिया, पिछले ईद के टाइम पे ही लिया था। तो सेकेंड टाइम मैं इसे वेयर कर रही हूँ, इसके पहले भी मैंने एक बार इसको पहना था, वो भी एक घंटे के लिए पहना था, उसके बाद में उतार दिया था। तो यहाँ पर अब मैं शादी में, किसी की शादी में पहली बार इसे पहन रही हूँ। तो ये है इसका गाउन, ये तो गाउन का ही रिव्यू दे दिया मैंने। नहीं बस ऐसे ही। तो यहाँ पर है, मैंने कुछ ऐसे बैंगल्स निकाल के रखे, कड़े हैं तो सिंपल ही है, क्योंकि इसके तो आस्तीन फुल है तो बंगड़ी पहनो या ना पहनो कुछ दिखाई तो देने वाले हैं नहीं, तो बस मैंने निकाल के रख दिए क्योंकि फिर टाइम पर मिलता नहीं है कुछ इसी वजह से। तो यहाँ पर लेंस निकाल के रखे हैं मैंने, निकाल के रख दिए, अभी जो मुझे कलर पसंद आएगा जो इस पर सही लगेगा, एक हेज़ल और कॉपर कलर की है वो इस पर शायद अच्छी लगेगी तो नाइट के टाइम पे, तो वही पहनूंगी। तो यहाँ पर मैंने वॉच निकाल के रखी है, अगर मैंने बैंगल्स नहीं पहना तो यहाँ पर एक सिंपल सी वॉच पहन लेना है मैंने। तो यहाँ पर मेकअप को देख के आप ऐसा नहीं कहना कि यार कितना सादा मेकअप है ऐसा वैसा, एक्चुअली हुआ ये था, मेरे भाई की शादी थी लॉकडाउन के पहले, तो उसके बाद में लॉकडाउन लग गया, मेरी पूरी मेकअप किट मेरे मामा के घर ही रह गई, तो अब जो है उसी से करना है, बट जो भी है अच्छा है, बेस्ट है, मॉइस्चराइज़र है, कॉम्पैक्ट है, फाउंडेशन है, फाउंडेशन है ना MN का है, आप भी ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा है ये। MN की बीबी क्रीम का रिव्यू मैंने दिया है पहले ही इसी चैनल पे दिया है, तो पॉन्स बीबी क्रीम भी निकाल के रख दिया है, निकाल के इसीलिए रख दिया कि टाइम पे कुछ मेकअप मिलता नहीं है, तो फिर मिलता है बट बहुत हड़बड़ी सी हो जाती है, प्राइमर वगैरह जो भी है, ब्रशेस, मेकअप ब्रशेस जो भी है वो मैंने पहले ही निकाल के रखी है, आई शेडो पैलेट है निकाल के तो रख दिया है, लगाना तो सिर्फ पिंक ही है और कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ी सी सिंपल सी ज्वेलरी है। और ये है लैक्मे का कंसीलर पेन स्टिक है, तो बहुत पहले ख़रीदा था, अभी तो पैकेजिंग भी इसकी चेंज हो गई होंगी शायद से, तो बट गाइस इसका कवरेज बहुत हाई है, बहुत से नाइट टाइम पार्टी के लिए बहुत अच्छा है, वरना मुझे इतनी हाई कवरेज फाउंडेशन बिल्कुल पसंद नहीं, सिंपल सा बीबी क्रीम जैसा हो वैसा, बट इसका जो शेड है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्रीम बिल्कुल मतलब मुझ पर जाता है, मुझ पर शेड सूट करता है। तो ये ब्यूटी ब्लेंडर है, इसको भी पहले डिप करके रख दूँगी। न्यूड लिपस्टिक यूज़ किया, कोरल NYB की है, पर्पल से ऑर्डर किया था मैंने,
ट्राई करने के लिए। लाइनर ऐसे निकाल के रख दिया, कॉज मैं लाइनर लगाती ही नहीं, मैं काजल लवर हूँ। लेंस का सोल्यूशन है, इसको पहले ही उसकी जो है वाटर उसमें डिप करके रख दिया था। तो ये है मालियों का, किस किस के पास है आप कमेंट करके बताना मुझे। और मेरे पास जो जो मेकअप है अभी फ़िलहाल जो मैं बता रही हूँ, आपके पास कौन सा मेकअप है आपके पास? इनसाइड का प्राइमर है मेरे पास, जो है मेबलिन का पूरा मेकअप किट मैंने बनाया था, बट मम्मी के यहाँ रह गया। तो अब जो है जिनको मेकअप करना आता हो ना, तो सादा मेकअप होना उससे भी मस्त मेकअप कर लेते हैं। तो ये है मालियो का ग्लो स्किन मेकअप बेस है। आप चाहे तो इसमें इसको फाउंडेशन में भी मिक्स करके लगा सकते हो, या तो आप मॉइस्चराइजर में मिक्स करके लगा सकते हो। स्किन ऐसी नेचुरल ग्लो करती है, जो स्विस ब्यूटी का आपने देखा होगा वैसे ही। तो यहाँ पर मेरे पास तो सीरम्स और मेकअप फिक्सर वगैरह मॉइस्चराइज़र वगैरह यहाँ पर ऊपर ही रखे थे मैंने। लिप बाम वगैरह जो ऊपर ही रहता है, जो मेरे ड्रेसिंग टेबल के साइड में, तो वो मैंने निकाल के रख दिए थे यहाँ पर। तो इसका कंटिन्यू मैं करूँगी पार्ट टू में, तो देखना ज़रूर कि मैं कैसा रेडी हुई। फेस तो नहीं दिखाना है, बट खाली बताऊँगी। यहाँ पर जूती भी साइड में निकाल के रख दिए। तब तक ले बाय, अल्लाह हाफिज़।